हेलो दोस्तों, हम लोग अभी इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, मतलब आ गई है, तो उसका हम लोग ट्रेलर देखने वाले हैं। तो इस ट्रेलर में क्या दिखाया गया, फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। पहले उसको रेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत अगर टाइम बचेगा तो फिर उसको देखेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये पमेला एक लव स्टोरी के ऊपर है। इनकी जो है लाइफ स्टाइल जो है, इन्होंने अपना करियर जो है प्लेबॉय मैगजीन में फ़ोटो शूट कराती थी, वो किस लिए कराती थी, क्या इनकी मजबूरी थी, तो इस डॉक्यूमेंट्री में हमको देखने में मिलेगा। फिलहाल हम लोग अभी इसका ट्रेलर देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। I didn't sleep last night at all. If anybody's watching this, go to hell. I blocked that stolen tape out of my life in order to survive. And now that it's all coming up again, I feel sick. I want to take control of the narrative for the first time. Dear, I fear we're facing a problem. I don't think people consider her the owner of her own image. It's Pamela Anderson, public property. I didn't feel like I had a lot of respect. Did you want to be a serious actress? I am a serious actress. I had to make a career out of the pieces left. But I'm not the damsel in distress. I put myself in crazy situations. And survived them. I don't care what people think, because it's the only choice I had. If I cared what people think, I wouldn't be here. Some men think, oh, she's the playboy thing or the sexual person. And they hate you for being something else. Maybe it's her favorite thing in the world is falling in love. I love you. And loves the idea of falling out of love, too. One man can't do it all. Be brave, and you gotta use what you got. Why can't we be the heroes of our own life story? Maybe I just do all the interviews naked. There's no mystery here. Okay. यार ये ठीक है, ऐसा है। देखो ये उतना ज़्यादा तो बुरा नहीं है यार, लेकिन फिर भी क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल सा दिखा रहे हैं। देखो जो पहले लेकिन ये क्या है सीन, ये पहले ज़माने का था। अभी देखो इस तरीके का कंटेंट यार भाई मूवी में भी आ जा रहा है। मतलब लोग जो है इस जिस तरीके से प्लेबॉय मैगजीन में रहती थी, वो क्या है कि फ़ोटो वगैरह प्लेबॉय की वो पूरा नग्न तस्वीरें नहीं दिखाई जाती है, बिकनी वगैरह में लड़कियों को दिखाया जाता था। तो क्या है कि उस समय लोग इसको ही देखकर इतना ज़्यादा बुरा मानते थे लोगों में। मतलब अगर कोई के पास ये चीज़ें अब भी दिखती है, मान लो लोग इसको अच्छा नहीं मानते, लोग छुपा के रखते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन देखा जाए अगर मूवी में कहीं कुछ लोग तो कि इतने बड़े मतलब थिंकिंग उनकी रिच हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों को बहुत नॉर्मल सा मानते हैं। तो बड़े शहरों बड़े लोगों की बात करें तो सिंपल सेम है। अभी भी जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की बात करें, अभी तो अब बहुत सारा कॉमन हो चुका है ये प्ले मैगजीन वाला सीन। मूवी में क्योंकि मूवी में सॉन्ग में अब लोग इतने खतरनाक तरीके के बिकनी पहन के आ जाते हैं। अभी देख लो बेशरम रंग सॉन्ग में जो कि दीपिका पादुकोण की बिकनी वगैरह, फिर टच वच सब शाहरुख खान कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो सब अब देखो कितना कॉमन सा हो चुका है। बट यहाँ बात करें तो जब इनका ये पमेला का सीन था
तो उस समय इनको मतलब एक पोर्नोग्राफी इक्वल टू मैगजीन, प्लेबॉय मैगजीन, देन ड्यूरेशन एंड पास्ट टाइम, तो इस वजह से। और फिर उनको जब जब ये इनका जॉब था तो उस समय जॉब को भाई, जब ये पब्लिक प्लेस में आती थी तो लोग इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे और फिर अच्छा रिएक्ट नहीं करते थे। अभी देख लो, जब एक बार का अपने सीन तुम लोगों को पता होगा कि एक बार सनी लियोनी जी का एक लड़के, मतलब एक आदमी इंटरव्यू लेता है तो उनके मुंह पे डायरेक्ट बोल देता है कि आपके साथ तो आमिर खान सर, तीनों खान एक्टर, ये सब तो काम ही नहीं करेंगे। ये जब आमिर सर देखते हैं तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, आई वांट टू वर्क विथ सनी लियोनी मैम। तो ये सब चीज़ें मतलब उस समय ऑफेंड हो जाते हैं। तो यार भाई, अगर कोई अपना जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गाली वगैरह वीडियो में दे रहा है, तो उसकी एक मजबूरी है, तो वो मजबूरी की वजह से उस क्षेत्र में होता है। कोई क्राइम करता है, कोई टेररिस्ट बनता है, तो उसका एक रीजन होता है, फिर उस रीजन के वजह से हम उसको जज करते हैं। बट अगर किसी बंदे को सामने उसको हर्ट करते हैं तो ये ठीक नहीं होता है। तो फिलहाल यही सब चीज़ें हैं। और फिर अगर तुम इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाह, मैं पर्सनली देखना चाहता था, इसलिए वजह से मैं इसका वो सोचा कि देख लेते हैं और डायरेक्ट रिएक्ट भी कर देते हैं, और फिर जो भी कुछ होगा हम सोचेंगे उसके बारे में, वीडियो भी बना देंगे। तो क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब मैं कोई वीडियो में गुस्से में कभी गाली वगैरह निकल जाती है तो मैं सोचता हूँ यार, इस वीडियो को कैसे सजेस्ट करूँ अपने लोगों को, अपने टीचर, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को। तो यही चीज़ें उनसे हैंडल करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसको देखूँगा। अभी मैं प्लान पूरा बनाया हूँ, तो देखते हैं, अगर ये टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद इसका रिव्यू भी करेंगे। ओके, देन यू सी दिस वीडियो एंड यहाँ तक तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये चैनल हर एक कैटेगरी को कवर करता है, तो सब्सक्राइब करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट मज़े लेने हैं तो शॉर्ट देख लो। ओके, बाय।